श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनको पूरा देश के पूरा विश्व एक आयरन लेडी के नाम से जानते थे, इस देश के लिए जो उनका बहुमूल्य योगदान प्रधानमंत्री के रहते हुए रहा, उसको यह देश और पूरा विश्व कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि जो बलिदान उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के लिए दिया, उसको पूरा विश्व आज उनके बलिदान को याद कर रहा है। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश जो पूर्ण राज्य का दर्जा इस प्रदेश को मिला, 25 जनवरी 1971 को इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर उन्होंने इस प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया था, और ये प्रदेश देश का 18वां गणराज्य बना। इसलिए नेहरू परिवार और गांधी परिवार का ये प्रदेश हमेशा ऋणी रहेगा, उनके बहुमूल्य योगदान को ये प्रदेश कभी भूल नहीं सके। जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनको पूरा देश के पूरा विश्व एक आयरन लेडी के नाम से जानते थे, इस देश के लिए जो उनका बहुमूल्य योगदान प्रधानमंत्री के रहते हुए रहा, उसको यह देश और पूरा विश्व कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि जो बलिदान उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के लिए दिया, उसको पूरा विश्व आज उनके बलिदान को याद कर रहा है। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश जो पूर्ण राज्य का दर्जा इस प्रदेश को मिला, 25 जनवरी 1971 को इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर उन्होंने इस प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया था, और ये प्रदेश देश का 18वां गणराज्य बना। इसलिए नेहरू परिवार और गांधी परिवार का ये प्रदेश हमेशा ऋणी रहेगा, उनके बहुमूल्य योगदान को ये प्रदेश कभी भूल नहीं सके। जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनको पूरा देश के पूरा विश्व एक आयरन लेडी के नाम से जानते थे, इस देश के लिए जो उनका बहुमूल्य योगदान प्रधानमंत्री के रहते हुए रहा, उसको यह देश और पूरा विश्व कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि जो बलिदान उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के लिए दिया, उसको पूरा विश्व आज उनके बलिदान को याद कर रहा है। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश जो पूर्ण राज्य का दर्जा इस प्रदेश को मिला, 25 जनवरी 1971 को इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर उन्होंने इस प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया था, और ये प्रदेश देश का 18वां गणराज्य बना। इसलिए नेहरू परिवार और गांधी परिवार का ये प्रदेश हमेशा ऋणी रहेगा, उनके बहुमूल्य योगदान को ये प्रदेश कभी भूल नहीं सके।